नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जीरापुर प्रदेश सरकार के द्वारा जल एवं जल स्रोतों की साफ सफाई व संरक्षण को लेकर 5 जून से 16 जून 2024 तक जल गंगा संवर्धन महाअभियान प्रदेश भर में जारी था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि जल स्रोतों को साफ, स्वच्छ एवं गहरीकरण करना तथा इनका संरक्षण करना रहा। तो वहीं आम नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के अंतिम दिन 16 जून को रविवार को समापन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा उज्जैन में मां शिप्रा की आरती का लाइव छापी डैम जीरापुर में कार्यक्रम आयोजित कर दिखाया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हजारीलाल दांगी द्वारा छापी डैम घाट बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा की आरती की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधि व परिषद सदस्यों के द्वारा घाट पर दीप जलाए गए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार, भाजपा जिला मंत्री ईश्वर सिंह तोमर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, पार्षद बंकट माहेश्वरी, शिव मंडलोई संजय भावसार, कुशल कुशवाहा, शंभुलाल वर्मा, मनोहर बरेठा, कमल झावा, अनिल सेन, दीपक मालवीय, गिरिराज मंडलोई आदि जन प्रतिनिधिगण, परिषद सदस्य एवं तहसीलदार आरपी सिंह, नगर परिषद के देवनारायण डांगी, ब्रजेश उपाध्याय, ओंकार लाल मंडलोई, कमल भावसार, जगदीश चौहान, कैलाश वर्मा, आजाद छावा, प्रवीण शर्मा, भगवान सिंह परिहार, नीरज मालवीय, मनोज शर्मा आदि अधिकारी एवं कर्मचारी सहित नागरिकगण मौजूद रहे। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। हवा की वजह से चल रहे हो, बहुत अच्छी जा रही हो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।